भारत बनाम श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए भारत की क्या हो सकती है प्लेइंग 11। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के साथ पहले घरेलू सूत्रों की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले मैच 3 जनवरी को प्रतिष्ठित वनडे स्टेडियम में खेला जाएगा और दूसरा मैच 5 जनवरी को पुणे में खेला जाएगा। आखिरी और अंतिम 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। BCCI ने मंगलवार 27 दिसंबर को 16 सदस्य का टीम ऐलान कर दिया है। पहले मैच से कुछ ही पहले हमें T20 के संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। ईशान किशन निर्देश मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में भारत के लिए पारी का शुरुआत करेंगे। हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि सुमन गिल ऐसे चैंपियन के खिलाफ श्रीलंका में अपना T20 पदार्पण करेंगे। सूर्य कुमार यादव जो T20 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं वो अंतिम उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके 3 नंबर में बल्लेबाजी करने की संभावना है। जहाँ आपके दीपक हुड्डा बचे रहने के कारण भारतीय T20 टीम में वापसी करने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या के नंबर 5 पर उनकी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि साथ ही गेंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। संजू सैमसन और वसिंदर सुंदर के साथ टीम के लिए एक फिनिशर की भूमिका निभाएंगे जो संभावना है। जो युजवेंद्र चहल के एक स्पिनर व्यक्त को संभालेंगे। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने की संभावना है। हर्षल पटेल अर्दीप सिंह और उमरान मलिक के पक्ष में तीनों फॉर्मर लाइन प्रेस होने की संभावना है। गति बैटरी थोड़ी सी अनुभवी होगी लेकिन वह देर से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहले T20 मैच के लिए भारत के प्लेइंग 11 नंबर 1 पर ईशान किशन, नंबर 2 पर सुमन गिल, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर दीपक हुड्डा, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर संजू सैमसन, नंबर 7 पर वसिंदर सुंदर, नंबर 8 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर अमरान मलिक, नंबर 11 पर आदिप सिंह। तो आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।